सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लैश स्क्वाड के कुछ न्यू हिडन प्लेस के बारे में, जो कि आपको मदद करेंगे रैंक पुश करने में, साथ ही साथ आपको सर्वाइव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, हमारा फर्स्ट नंबर का जो हिडन प्लेस है, उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। आपको एक लॉन्ग रेंज की गन ला लेना है और आपको 3 ग्लोवॉल की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको यहाँ 3 ग्लोवॉल लाना है और आपको देख लेना है, जिस तरीके से मैं लगा रहा हूँ उसी तरीके से आपको ग्लोवॉल लगाना है। तो बता दूँ, इसके लिए आपको पार्टनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अकेले ही हिडन प्लेस पर जाके अकेले ही बंदों को किल कर सकते हो। तो हमारा कुछ ऐसे ग्लोवॉल लग जाएगा, फिर आपको ऊपर की साइड जाना है। अब आप कहोगे मेरी सारी ग्लोवॉल ख़त्म हो जाएगी, फिर हम कैसे किल कर पाएंगे बंदे को? आपको बता दूँ, आप जैसे ही यहाँ ऊपर की ओर चले जाओगे तो आपको इतने सारे कवर मिल जाएंगे कि आप आराम से सर्वाइव कर सकते हो। तो जस्ट आपको स्कोप खोल के ऊपर की साइड आ जाना है, जिस तरीके से मैं जा रहा हूँ। फिर जाने के बाद आप कुछ इस तरीके से आ जाओगे। तो यहाँ देख लो, आपको कितना अच्छा वाला कवर मिल चुका है। आप यहाँ से पूरी स्क्वाड को आराम से ख़त्म कर सकते हो, अगर आपके पास अच्छी गन है। यहाँ पे आप थॉम्सन गन लेके आ जाना, क्योंकि वो लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज को आराम से कवर कर लेता है। आप यहाँ नेड भी कर सकते हो आराम से, बहुत ही बढ़िया वाला हिडन। और गाइज, अगर आप इस वाले हिडन प्लेस पे आ जाते हो तो आपका एनिमी जो भी देखेगा ना आपको, तो कहेगा कि भाई ये हैकर है या क्या है। आप खुद ही देख लो भाई, इस वाले हिडन प्लेस पे कोई भी ज़्यादातर नहीं आता है। तो आपके जितने भी एनिमी हैं या आपके जितने भी फ्रेंड्स होंगे, वो सरप्राइज हो जाएंगे और आपको आराम से फ्रेंड रिक्वेस्ट या लाइक वाइक जो भी है वो कर देंगे। तो आपको ये हिडन प्लेस कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। तो गाइस, चलते हैं अपनी नेक्स्ट हिडन प्लेस की तरफ, क्योंकि यहाँ पे मैं किल हो जाऊँगा, क्योंकि 1v4 की हिडन वो आ गई थी, मतलब 1v4 की सिचुएशन आ गई थी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट हिडन प्लेस की तरफ, जो कि अपना नंबर 2। तो आपको यहाँ पे आ जाना है, जो कि अपना मिल। तो यहाँ पे आने के बाद आपको एक AWM ले लेना है। तो AWM लेने के बाद 2 ग्लूवॉल की ज़रूरत पड़ेगी। जिस तरीके से मैं ग्लूवॉल लगा रहा हूँ, आप देख लो जैसे मैं लगा रहा हूँ वैसे ही लगा लेना। तो इस पीली वाली गाड़ी पे फिर आपको जंप करना है ग्लू वॉल लगा के। फिर जंप करने के बाद आपको स्कोप खोल के इस ग्लू वॉल पे जंप करना है। फिर जैसी जंप करोगे, फिर आपको इस वाली ग्लू वॉल पे जंप करना है, स्कोप खोल के फिर इस पे चढ़ जाना है। भाई देखो, यहाँ पे अभी तक किसी ने भी नहीं बताया इस हिडन प्लेस को, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना। आप यहाँ से 1 से 2 बंदे को किल कर सकते हो। तो आप देख लो, मैंने रिकॉर्ड करके आपको दिखा दिया कैसे मैं बंदे को किल कर रहा हूँ। तो ये वाला आपको हिडन प्लेस कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताना। आप यहाँ से आराम से सर्वाइव भी कर सकते हो, अगर आपके पास कोई सा ऐसा काम आ जाता है छोटा मोटा, तो आप यहाँ पे सर्वाइव भी कर सकते हो। तो देखो, मैंने यहीं से 2 को डाउन कर दिया है और ये बहुत अच्छी वाली हिडन प्लेस है। अब तक की मेरे को ये बेस्ट हिडन प्लेस लगती है पूरे फ्री फायर में। सो गाइज, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट हिडन प्लेस में, क्योंकि यहाँ पर सारे बंदे किल हो चुके हैं। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट हिडन प्लेस की तरफ। तो अपना नेक्स्ट हिडन प्लेस निकल के आता है अपना संतोषा पे। तो ये वाला आपको हिडन प्लेस पता होगा, आपको जस्ट एक ग्लूवॉल लेके आना है। तो ग्लूवॉल लेके आने के बाद आपको कुछ इस तरीके से लगाना है, जिस तरीके से मैं लगा रहा हूँ इस वाले घर पे। इसे लगाने के बाद आपको इस टायर पे जंप करना है, और जंप करने के बाद जो हमने ग्लूवॉल लगाया था उस पर जंप करना है। तो देख लो, मैं कैसे रन करके जंप कर रहा हूँ, उसी तरीके से करना है। फिर आपको ये वाले ग्लू वॉल को तोड़ देना है, नहीं तो आपके एनिमी को पता पड़ जाएगा कि आप इस वाले छत पे हो। जैसे आप ग्लू वॉल तोड़ोगे तो आप यहाँ पे आ जाओगे और आप यहाँ से अच्छे से बंदों को किल कर सकते हो। तो यहाँ से तो आप पूरी स्क्वाड को आराम से ख़त्म कर सकते हो। और यहाँ पर आप नेड लेके आना भाई, देखना अभी मैंने कैसे नेड कर बंदे पर, वो आराम से मर गया। तो मेरे को पता था कि वो सामने बंदा है, तो टाइमर लगा के मैंने और मार दिया उसे। तो देखो भाई, विक्ट्री हो गई भाई। मेरे को ये बहुत अच्छा वाला सीन लगा जब मैंने ऐसे किल करा। तो भाई चलते हैं अपने नेक्स्ट हिडन प्लेस की तरफ, जो कि है नंबर 4। तो सो गाइस, नंबर 4 वाली हिडन प्लेस आपको बहुत ही काम आएगी आपको सर्वाइव करने में। तो आपको ये वाला हिडन प्लेस के लिए आपको पार्टनर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मैं एक ऐसी ट्रिक लेके आया हूँ जिसकी मदद से आप बिना पार्टनर के जा सकते हो। तो आपको केप टाउन पर ये वाली हिडन प्लेस मिल जाएगी। तो जस्ट आपको 2 ग्लोवल लाना है और एक AWM लेके आ जाना है। AWM इसलिए कि यहाँ से ज़्यादा डैमेज पड़ता है AWM से, आपको पता ही है, लॉन्ग रेंज के लिए। तो आप यहाँ पे आ जाना और 2 ग्लू वॉल लाना है। एक ग्लू वॉल आपको कुछ इस तरीके से लगाना है जैसे मैं लगा रहा हूँ, और लगाने के बाद आपको नीचे कूद जाना है। कूदने के बाद आपको यहाँ नीचे से लगाना है ऐसे ग्लू वॉल जैसे मैं लगा रहा हूँ। ऐसे कर लोगे तो आपको पार्टनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप आराम से सर्वाइव कर सकते हो। तो देखो, मेरा पार्टनर देखो कैसे ग्लू वॉल फोड़ रहा है पीछे से, देख रहे हो?
आपको फिर ऐसे जंप करके ऊपर आ जाना है। तो देखो ये बहुत ही अच्छी वाली हिडन प्लेस है, इसके लिए आपको पार्टनर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आपके पार्टनर मेरे को पता है वो मदद नहीं करते, मेरे भी नहीं करते पार्टनर मदद, कुछ ही हैं जो कि मदद कर देते हैं, इसलिए ये विदाउट पार्टनर ट्रिक है। आपको पसंद आए तो भाई एक लाइक कर देना इसी बात पर। सो गाइस यहाँ से देखो मैंने हेडशॉट मारा बंदे को और ये आराम से मर गया। तो चलते हैं गाइस अपनी नेक्स्ट हिडन प्लेस की और जो कि अपना लास्ट हिडन प्लेस है, तो इसे देखते हुए जाना क्योंकि बहुत से बंदे को फैक्ट्री पे हिडन प्लेस नहीं मिलती है, लेकिन एक ऐसी हिडन प्लेस है जिसकी मदद से आप आराम से बंदों को किल कर सकते हो। सो गाइस आपको यहाँ पे AWM या कोई सी थॉम्सन वॉम्सन घन लेके आ जाना है, आप देखना उसमें स्कोप भी होना चाहिए, MP5 लेके आ जाना, फिर आपको स्कोप खोल के कुछ इस तरीके से चढ़ना है। तो आप ऐसे चढ़ के आ जाओगे और आपको नीचे जो नीले वाला बक्सा है उस पर चढ़ जाना है, तो आप ऐसे चढ़ जाओगे। तो भाई देखो यहाँ से आपको ये यूनिक ट्रिक है भाई, यहाँ पे अभी तक किसी को भी नहीं पता कि इसके ऊपर कोई चढ़ सकता है और हमें मार भी सकता है। तो देखो भाई एक बंदा आया, उसे मैंने डैमेज दिया, तो देखो मेरा रिलोड मांगने लग गया AWM, क्योंकि मैंने वो नहीं कर रखा था, क्योंकि वेपन स्विच नहीं वो कर रखा था, क्योंकि वेपन स्विच नहीं करा है ना। तो यहाँ देखो नीचे बंदा मेडिकेट मार रहा है, ये देखो भाई ख़त्म। तो ये देख लो भाई ये यूनिक हिडन प्लेस है, मतलब अभी किसी को नहीं पता, तो इसका आप इस्तेमाल करना, बहुत ही बेनिफिट होगा आपको, आराम से आप बंदों को किल कर सकते हो। तो बस यही थी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आया तो एक भाई लाइक कर देना, ठीक है, लाइक करने के कोई पैसे नहीं मिलते हमें, ठीक है लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो यार, अभी 100-150 ही सब्सक्राइबर हुए हैं, 1K फैमिली तक ले जाओ भाई, ये साल पूरा 1 जनवरी आने से पहले भाई 1000 सब्सक्राइबर कर दो, ये मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट होगा भाई, ठीक है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो आएगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।